हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल कुकिंग हिक्स में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं फ्रेंड्स सूजी का उपमा। ये बहुत ही टेस्टी उपमा और हेल्दी है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। यहाँ पे हम बारीक वाली सूजी लिए हैं 1 कप, यानी ये ग्राम में होंगे 200 ग्राम। यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, बादाम, काजू, किशमिश, आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स में पसंद है आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिए हैं 1 मीडियम साइज का टमाटर बारीक कटा हुआ, और 1 प्याज उसे भी हम बारीक कट कर लिए हैं, 2 हरी मिर्च उसे भी बारीक कट कर लिए हैं। तो यहाँ पे हम कुछ लिए हैं राई दाने, पीली वाली राई दाना है, आप यहाँ पे काली वाली भी ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो आप ले लें। नमक, और यहाँ पे 1 छोटी चम्मच जीरा, और यहाँ पे लिए हैं चना दाल। आप चना दाल की जगह उड़द दाल भी ले सकते हैं, इससे जो टेस्ट आती है वो बहुत ही बढ़िया आती है। तो हम यहाँ पे 1 कढ़ाई में घी रखेंगे, 1 चम्मच ज़्यादा नहीं, हमें सिर्फ 1 छोटी चम्मच घी रखना है। और घी जब अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए तो हमें इसमें जो हम सूजी लिए हैं उसे ऐड करके इसे गोल्डन ब्राउन होने तक इसे रोस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हम अब डाल दे रहे हैं सूजी, और इसे हम चलाते हुए गैस का जो फ्लेम है उसे मीडियम करके इसे हम रोस्ट करेंगे। लगभग इसे रोस्ट होने में लग जाते हैं 8 से 10 मिनट। इसे गैस का फ्लेम हाई करके लो नहीं करें, सॉरी रोस्ट नहीं करें, नहीं तो ये अच्छी तरह से भुनते नहीं हैं, इसे आप मीडियम पर ही भुनें। तो हम इसे कंटिन्यू चलाते हुए इसे हम रोस्ट कर लेंगे। जब ये रोस्ट हो जाती है तो ये खुद पे खुद अलग अलग दिखने लगते हैं। देखिए जैसे जैसे ये रोस्ट हो रही है वो खुद आपको दिख रहा होगा कि कैसे कैसे ये साइड हो रहे हैं। तो इसे अच्छी तरह से भुनना बहुत ज़रूरी है। अगर ये कच्चे रह गए तो फिर आपकी जो उपमा का जो टेस्ट है वो बहुत बढ़िया नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यू इसे चलाते रहना है। ये देखिए जब हम इसे इस तरीके से गिराएंगे इस तरीके से तो अलग अलग दाने गिरने लगते हैं। तो ये भी एक पहचान करने का तरीका है कि सूजी बहुत बढ़िया से रोस्ट हो चुकी है। बस हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है, ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सुनहरा गोल्डन करना है। तो यहाँ पे अब हो चुका है, ये देखिए। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए और इसका जो है कलर और ब्राउन नहीं हो। तो यहाँ पे इसे फैला देंगे ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। तो अब हम आगे के काम करते हैं। ये देखिए पहले हम आपको दिखाते हैं कितना अच्छा से ये रोस्ट हुआ है। तो अब हम फिर वही सेम कढ़ाई लिए हैं, उसमें घी डालेंगे लगभग 2 छोटी चम्मच, और जब घी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए तो हमें इसमें डाल देनी है सबसे पहले जो ड्राई फ्रूट्स लिए हैं उसे रोस्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे अच्छी तरह से ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेंगे। और हम इसी में डाल देंगे किशमिश, बादाम, जितने भी हम ड्राई फ्रूट्स लिए हैं वो सबको एक एक करके इसे हमें रोस्ट कर लेनी है। किशमिश को आप ज़्यादा रोस्ट नहीं करें क्योंकि ये बहुत जल्दी रोस्ट हो जाती है। अगर आपको नहीं रोस्ट पसंद है किशमिश तो आप इसे रोस्ट भी नहीं करें, ऐसे ही किशमिश अच्छी लगती है। तो यहाँ पे बादाम को भी हम भून लेंगे, इसे क्यों छोड़ें। तो हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करेंगे और इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि जो हम ड्राई फ्रूट्स लिए वो आप ले, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं या फिर आप नहीं भी ले सकते हैं। मेरे पास था तो हमने ऐड कर दिया। अगर आपके पास नहीं है तो आप ऐसे ही टमाटर, प्याज, ये सब बाकी की जो सामग्री है उसे डाल के आप बना सकते हैं। बहुत ही बढ़िया उपमा बनकर तैयार होती है।
तो यहाँ पे अब हम और सारे इसमें घी डालेंगे, या फिर आप रिफाइंड ऑयल रखिए, तो कोशिश करिए आप घी डालें तो इसे मेल्ट करके ही डालें, ताकि उससे आपको अंदाज सही लगेगा कि इसमें घी कम है या फिर ज़्यादा मेल्ट होने के बाद। तो यहाँ पे अब हम थोड़ा सा, सबसे पहले पीली वाली जो राई होती है उसके दाने डालेंगे और इसे अच्छी तरह से चटकने देंगे, यानी इसका कलर जो है वो बहुत अच्छी तरह से चेंज होने देंगे, नहीं तो इसका जो टेस्ट है वो तीखापन आने लगता है। तो अब हम इसके बाद ऐड करेंगे इसमें जीरा। जीरा का भी जो कलर है उसे हम चेंज कर लेंगे थोड़ा, कुछ सेकेंड के लिए इसे हम चलाते हुए। तो फिर हम इसमें डालेंगे चना दाल। आप यहाँ पे, हम पहले ही भी बोले हैं, चना दाल की जगह आप उड़द दाल भी ले सकते हैं, या फिर आप दोनों भी ले सकते हैं, चना दाल उड़द दाल। तो यहाँ पे इसे भी कुछ रोस्ट कर लेंगे कुछ सेकेंड के लिए। तो यहाँ पे अच्छी तरह से रोस्ट हो चुकी है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। तो प्याज को भी हम अच्छी तरह से, इसको हमें सॉफ्ट करना है, इसका जो कलर है वो बिल्कुल चेंज नहीं करना है, सिर्फ इसे हमें सॉफ्ट करनी है। तो सॉफ्ट जब ये हो जाए, यहाँ देखिए लगभग ये सॉफ्ट हो चुकी है, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज, सॉरी टमाटर और बारीक कटा हुआ हरी मिर्च। तो यहाँ पे अब हम हरी मिर्च डालने के बाद तुरंत ही ऐड कर देंगे टमाटर। टमाटर को भी हमें ज़्यादा नहीं सॉफ्ट करना है, ये सॉफ्ट हो रहे हैं, गैस का फ्लेम उधर लो कर दिए, तब तक हम इधर पानी हीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम 2 कप पानी लिए हैं, 1 कप सूजी में हम 2 कप पानी, नमक स्वाद अनुसार, और फिर हम इसे भी चलाते रहेंगे बीच बीच में। तो ये देखिए अच्छी तरह से हम इसे दूसरे साइड रख दिए हैं और एक तरफ पानी गर्म होने के लिए रख दे रहे हैं। तो ये अच्छी तरह से गर्म हो रही है, हो चुकी है मानिए। अब हम इसमें डाल देंगे 1 लेमन का जूस। तो यहाँ पे हम पहले ही रस निचोड़ लिए हैं और यहाँ पे हम लेमन का जो जूस है उसे ऐड कर दिए हैं पानी में ही, ताकि जब हम पानी डालें तो चारों तरफ खट्टापन का स्वाद आए। तो यहाँ पे अब देखिए टमाटर लगभग सॉफ्ट हो चुकी है, गैस का फ्लेम बिल्कुल हम लो कर दिए थे। तो अब हम इसमें सूजी को भी ऐड करेंगे और इसे हम अच्छी तरह से चलाते हुए 1 से 1.5 मिनट के लिए कुक करेंगे। क्योंकि हमें ज़्यादा इसे नहीं रोस्ट करना है, क्योंकि ऑलरेडी हम इसे रोस्ट कर चुके हैं। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी, पानी को हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है, ज़्यादा नहीं डालें पानी डायरेक्ट सीख के बाद, नहीं तो ये उछलकर बाहर आने लगती है जो सूजी के दाने हैं। तो यहाँ पे हम पहले पानी डालने से पहले ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं, ताकि नमक और जो नींबू वाले पानी है वो सब में ऑब्जर्व हो जाए। इसीलिए हम जो भी इसमें सामग्री डालेंगे वो पानी डालने से पहले ही डाल देंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे गरम किया हुआ पानी, नींबू नमक वाला पानी। तो हम अच्छी तरह से अब इसे मिक्स करेंगे। यहाँ पे वही पानी, अगर हमें लगे कि ये थोड़ा सा और ड्राई है डालेंगे थोड़ा देर बाद। ये देखिए दोबारा हम डाल दिए हैं और यहाँ पे गैस का जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो करेंगे और हम अच्छी तरह से इसे चलाते हुए 4 से 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो यहाँ पे 4 से 5 मिनट के लिए हम इसे चलाते हुए कुक कर लेंगे, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो किए हुए हैं। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया लग रही है ना, तो अभी तो ये कुक हो ही रहे हैं, तो हम इसे कंटिन्यू चलाते हुए पहले कुक कर लेंगे। इतना हमें इसे कुक करना है, ये दम से खिला खिला जब नज़र आने लगे तो आप गैस का फ्लेम ऑफ कर दें और फिर आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें। ये बहुत ही टेस्टी उपमा बनकर तैयार होती है, बहुत झटपट बनने वाली ये नाश्ता है। आप बनाकर बच्चों को लंच में दे सकते हैं या फिर शाम के आप नाश्ते में इसे ले सकते हैं, बहुत ही हेल्दी नाश्ता है।
तो इसे हम थोड़ा सा हरी मिर्च से डेकोरेट कर देते हैं ताकि ये बहुत ही सुंदर दिखे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अगर हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि हमारे किसी भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉच।